आज हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस की। हमारे साथ स्टूडियो में इस पर बात करने के लिए ऑर्थोस्कोपी सर्जन डॉक्टर अश्विनी मायचंद हमारे साथ आज मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आइए सबसे पहले, अगर हम इसको जोड़ों का दर्द हम इसको जनरली कहते हैं, इस बारे में डिस्कस आपसे जरूर करूंगी मैं, लेकिन आइए पहले हम दर्शकों को बता देते हैं कि आखिर ये होती क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस दो अलग अलग चीजें हैं जिसका आमतौर पे पेशेंट्स में कंफ्यूजन रहता है। हाँ जी। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है कि हड्डियों में कैल्शियम की कमी, यानी कि हड्डियों का कमजोर होना, और ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब होता है जोड़ों का दर्द। अब वो आर्थराइटिस एज के साथ जैसे कार्टिलेज घिस जाता है, जिसको हम जोड़ों को घिसना कहते हैं, उसके घुटनों में, एंकल्स में, हिप्स में पेन होना शुरू हो जाता है, जो वेट बेयरिंग ज्वाइंट्स होते हैं हमारे, उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। जी। तो हड्डियों का क्षरण या फिर जोड़ों में दर्द की समस्याएं अक्सर हम सुनते हैं महिलाओं में ज्यादा होती हैं। करीब 80% महिलाएं इस बीमारी से पीड़ित होती हैं और महिलाएं अक्सर इस बीमारी को हल्के में ले लेती हैं, और जब बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इस दर्द से बचाव मुश्किल हो जाता है। आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में हर दो में एक महिला ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों में छेद होना और आर्थराइटिस यानी जोड़ों में दर्द होना। 80% महिलाएं और करीब 20% पुरुष इस रोग के शिकार होते हैं। ये एक साइलेंट रोग है, शुरुआती दौर में इसका पता नहीं लगता है। कैल्शियम की कमी से हड्डियों में छोटे छोटे छेद बनने लगते हैं, जिससे हड्डियां खोखली हो जाती हैं। ऐसे में जरा भी चोट या लचक पर फ्रैक्चर होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इस बीमारी के लक्षण भी तभी उभरते हैं जब ये बीमारी काफी बढ़ जाती है। इसके अलावा शराब और सिगरेट के सेवन का सीधा असर हड्डियों पर पड़ता है। लोगों को चाहिए कि इससे अवश्य परहेज करें। डॉक्टरों के अनुसार अगर कुछ सावधानियां बरती जाएं तो इस रोग को टाला जा सकता है। जीवन शैली में मामूली परिवर्तन और नियमित व्यायाम करने से काफी लाभ मिलता है। जिन लोगों को ये बीमारी है उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए ताकि बीमारी और गंभीर रूप ना ले। हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम का सेवन जरूरी है, लेकिन कैल्शियम के साथ साथ व्यायाम भी बहुत जरूरी है। अगर व्यायाम नहीं किया गया तो कैल्शियम को हड्डियां ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगी और सेवन किया गया कैल्शियम शरीर के बाहर निकल जाएगा। ऐसे में मरीजों को नियमित रूप से सुबह शाम व्यायाम और ब्रिस्क वॉकिंग करनी चाहिए। डॉक्टरों की सलाह है कि 40 वर्ष से अधिक की आयु वालों और मेनोपॉज के स्टेज से गुजर रही महिलाओं को नियमित रूप से हड्डियों की जाँच करवानी चाहिए। इस बीमारी का पता ड्यूअल एनर्जी एक्सरे से पता लगता है। इसे ठीक करने में भी सफलता मिलेगी, साथ ही मरीजों को दर्द से भी राहत मिलेगी। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमने इस पैकेज में देखा, हमने सुना इस रिपोर्ट में, महिलाएं सबसे ज्यादा ग्रस्त रहती हैं इस बीमारी को लेकर। हमने समझा कि ये बीमारी क्या है, लेकिन कौन सी बॉर्डर लाइन होती है, कहाँ पे कोई भी महिला हो या पुरुष कोई भी हो, कहाँ उसको अपने शरीर के जोड़ों की तरफ ध्यान देना जरूरी हो जाता है, क्या ध्यान देना चाहिए, कैसे ध्यान देना चाहिए? देखिए, आम धारणा तो यह है कि जब दर्द है तभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कभी भी वो किसी भी एज में हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप पहले से ही ध्यान रखें जी, जब आपको दर्द नहीं है, जब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, अगर आप तभी से ध्यान रखेंगे तो आपको डॉक्टर के पास कभी भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट, वो सब जिसके बारे में बात करेंगे। एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि महिलाओं में ज्यादा क्यों होता है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। उसके दो रीजन है, एक हमारा सामाजिक रीजन है और एक जेनेटिक रीजन है, मीन्स बॉडी के जो अपने स्ट्रक्चर का रीजन है। सामाजिक तो ये है कि आप कहीं भी देखें, महिलाएं हमेशा जो भी पोषण है, जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी है, उसमें लास्ट प्रायोरिटी महिलाओं को मिलती है जी। वो अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं, अपने परिवार का ध्यान रखती हैं, लेकिन अपने लिए खाने में चाहे उनको कुछ कम भी मिल जाए तो चल जाता है। मतलब एक हमारा ये सामाजिक वो एक बड़ी विडंबना है कि आजकल महिलाओं के बारे में इतनी बातें करते हैं, लेकिन आज भी कुपोषण सिर्फ बच्चों में नहीं, महिलाओं में भी बहुत ज्यादा है जी। एक रीजन तो ये है। दूसरा, हमारी महिलाओं को कितना टाइम मिलता है अपने लिए कि वो एक्सरसाइज करें, वॉक करें, नहीं मिल पाता है, वो परिवार में ही लगे रहते हैं जिंदगी भर। और तीसरा कि लेडीज में कैल्शियम वैसे ही कम होता है, और 45 जब मेनोपॉज हो जाता है उसके बाद सडनली कैल्शियम का फॉल होता है, उससे ऑस्टियोपोरोसिस और भी जल्दी हो जाता है। तो महिलाओं को सबसे ज्यादा कब ध्यान देने की जरूरत होती है, किस एज से उनको इस बात का ध्यान रखना शुरू कर देना चाहिए ताकि ये बीमारी ही ना हो? स्पेशली जब चाइल्ड बर्थ में, डिलीवरी या प्रेगनेंसी के टाइम अचानक बॉडी से कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाता है, तो हम जब कहते हैं कि इस पर्टिकुलर एज के पे ही शादी करनी है, तो इसका रीजन यही होता है कि हमारे जो हार्मोनल लेवल हैं, जो
जो बॉडी की स्ट्रक्चर है वो उस टाइम डेवलप हो रही होती है। तो 20-22 की उम्र से ही जब हम कॉलेज से निकलते हैं हमारी सब एथलेटिक एक्टिविटीज बंद हो जाती हैं। तो हमें तभी से यानी कि शादी के पहले से ही इन लेडीज को अपने खाने का, अपने एक्सरसाइज का, अपने शरीर का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक बार मैरिड हो गए उसके बाद आपकी जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं। उसके शायद आप तब इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, शादी से पहले ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। चलिए हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, राजू जी। राजू जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब नमस्कार। जी तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात जी, है क्योंकि शायद उस टाइम खाने पीने की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं भी दिया जाता जी, और लेकिन हालांकि शादी बाद जिस तरह से बिजी हो जाती है उस तरह से ध्यान नहीं, लेकिन शादी के बाद और सबसे ज्यादा जब प्रेगनेंसी का टाइम जिस तरह से आपने बताया तब कितना ध्यान देना चाहिए इस तरह? तब हमें कैल्शियम की डोज डबल कर देनी चाहिए जी। और आजकल जैसे आप देखें लेडीज में दूध या मिल्क प्रोडक्ट्स जितना भी है उनको अवॉइड करती है लेडीज ताकि वेट गेन ना हो। ये सबसे गलत चीज है। और हमने अभी देखा कि स्मोकिंग एंड अल्कोहल, आजकल यंग लेडीज में स्मोकिंग एंड अल्कोहल का भी काफी प्रचलन हो गया है जी। तो ये और भी अनफॉर्चुनेट बात है कि जो बॉडी पहले ही कैल्शियम और इन सब चीजों से उसमें पूरा नहीं है हम उसको और एक्सपोज कर रहे हैं रिस्क फैक्टर को जी। तो कृष्णा जी हैं हमारे साथ जोधपुर से, उन्होंने हमें कॉल किया है। कृष्णा जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? सर जी मेरी उम्र 40 साल है और घुटने में दर्द होता है। सॉरी कहाँ दर्द होता है? घुटनों में बहुत दर्द है। घुटने में? अच्छा, कब से हो रहा है दर्द आपको? ये 2 साल हो गए जी। आपकी उम्र 40 साल है तो आमतौर पे इस उम्र में दर्द नहीं होना चाहिए। हाँ ये जी जी जी। तो इसके लिए आपको अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन जो भी आपके आसपास हैं उनसे मिलकर एक्सरेज और ब्लड टेस्ट कराने चाहिए, क्योंकि इस उम्र में ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होना चाहिए। तो ऐसा है कि आपके कुछ ब्लड टेस्ट करके डॉक्टर पता कर सकते हैं कि शायद आपको कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस या कोई यूरिक एसिड में बढ़ा हो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम निकल सकती है उसमें जी। चलिए अगले कॉलर महबूब जी हैं, उन्होंने हमें सऊदी अरब से कॉल किया है। महबूब जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी डॉक्टर साहब से पूछता है कि मेरे ये कोहनी में और ये हाथ पंजे में इधर जॉइंट में ये दर्द रहता है। कोहनी में? और कोहनी में दर्द रहता है जी। कोहनी में दर्द का आजकल जो हम देख रहे हैं मेन कारण टेनिस एल्बो कहते हैं इसको। वैसे तो मैंने आपको एग्जामिन नहीं किया इसलिए मैं आपको प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं दे सकता, बट स्टिल टेनिस एल्बो बड़ा कॉमन डिजीज है जिसमें मसल्स खींच जाती हैं कोहनी की। उसके लिए हम फिजियोथेरेपी और कुछ मेडिसिन देते हैं, कभी कभार इंजेक्शन लगाने की भी जरूरत पड़ती है जी। और हम बात जिस तरह से बात कर रहे हैं अभी हमने रिपोर्ट में भी देखे 80% महिलाओं को ज्यादा ये परेशानी होती है जी, और जी। जिस तरह से आपने रीजन भी बता दिया है कि हेल्थ की तरफ ध्यान थोड़ा कम देती हैं महिलाएं, चाहे वो शादी से पहले की बात हो या शादी के बाद, तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो शादी के बाद जिस तरह से आपने बताया कि जब गर्भ धारण करती हैं यानी डिलीवरी से पहले उनको अपनी डोज किस तरह की लेनी है, खासकर कैल्शियम की, लेकिन जब डिलीवरी के बाद अक्सर ये भी होता है कि तब वो आयरन कैल्शियम जो भी सप्लीमेंट्स ले रही होती हैं एक्स्ट्रा अगर कोई महिलाएं लेती हैं बंद कर देती हैं, तो वहां पे कितना जरूरी होता है क्योंकि फीडिंग शुरू हो जाता है मदर फीड? क्योंकि जब तक फीडिंग चलता है तब तक आपकी कैल्शियम की डोज डबल रहनी चाहिए। और एक बीएमडी स्टडी जिसको हम कहते हैं बोन डेंसिटोमेट्री, वो एक टेस्ट आपका 6 मंथली होना चाहिए। एवरी सिक्स मंथ होना चाहिए जब आपके बच्चे को फीड करा रहे हैं जी। उससे ये पता लगेगा कि आपकी हड्डियों में कैल्शियम कितना कम हो गया है जी। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं। और शायद बहुत सारी महिलाएं नहीं पता होगा क्योंकि सबको नहीं पता होगा कि आप जब फीड कराते हैं तो आपका जो कैल्शियम आपकी बॉडी का कैल्शियम बच्चे के बच्चे को जा रहा है जी। तो तब मतलब क्या सिर्फ कैल्शियम लेने से या खाने से फर्क पड़ता है? इसके अलावा हमें मॉनिटर करना पड़ेगा। जनरली लोग क्या करते हैं कि ब्लड में कैल्शियम हम चेक कर लेते हैं, ब्लड का कैल्शियम हमेशा नॉर्मल रहता है, जनरली नॉर्मल रहता है जी। इसलिए बोन डेंसिटोमेट्री इज़ ए बेटर टेस्ट ये। चलिए इसके बारे में आपसे विस्तार से जानूंगी। अभी विश्वनाथ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीकानेर से, उन्होंने हमें कॉल किया है। विश्वनाथ जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार। मेरी पत्नी के बाएं घुटने में बहुत दर्द है जोड़ में। सर उनकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र है 52 साल है जी। जी जी। तो जिस तरह से उनकी उम्र है मुझे लगता है उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू हो गई है। इसमें आपको एक एक्सरे कराना चाहिए और अगर दर्द ज्यादा है तो ये हो सकता है कि वो आजकल दाएं घुटने पर ज्यादा वजन डाल रहे हैं, तो अगर आप इसका टाइम से इलाज कराएंगे तो हो सकता है आपका दाएं घुटना ठीक रह सके। तो जल्दी है जल्दी इसका इलाज कराइए जी। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको कहीं भी अगर दर्द हो रहा है तो उसको बिल्कुल भी अवॉइड ना करें,
जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ी बीमारी हो, लेकिन शुरुआत भी हो सकती है किसी बड़ी बीमारी की। जी। चलिए आपसे बात करते रहे डॉक्टर साहब, फिलहाल हमें रुकना पड़ेगा, छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, यहाँ पर जल्द हाजिर होते हैं। आप भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से तो हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप फोन कीजिए और सवाल पूछिए। ब्रेक के बाद हेल्थ पल्स में आपका फिर से स्वागत है। हम बात करें ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस की, और हम बात कर रहे हैं खासकर महिलाओं की, जो महिलाएं अपने सेहत की तरफ ध्यान नहीं देती हैं, खासकर जब जोड़ों के दर्द की बात आती है तो हम अक्सर सुनते हैं कि हल्का सा दर्द होता है तो वो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देती हैं, क्योंकि उनके आसपास उनके बच्चे या फिर कहीं पति के ध्यान रखने में वो इतनी ज्यादा व्यस्त रहती हैं, लेकिन ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है। सब ये मैं जरूर सवाल आपसे करना चाह रही थी कि जब हल्का दर्द हो तो अक्सर हम सुनते हैं कोई तेल लगा लिया, हम अक्सर आसपास देखते हैं, तो वो क्या, उससे क्या लाभ होता है और क्या हानि होती है उससे? अर्ली स्टेज में हम अगर बहुत जल्दी डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो हम जनरली फिजियोथेरेपी से और कुछ बेसिक एक्सरसाइज, बेसिक प्रिकॉशंस और बेसिक मेडिसिन से उसको मैनेज कर सकते हैं जी। लेकिन आजकल आपने सुना होगा कि जॉइंट्स के अंदर इंजेक्शन भी लगा देते हैं जी। वो स्टीरॉयड के इंजेक्शन होते हैं, उससे एक बार तो आराम मिलता है लेकिन ये हार्मफुल होता है जी। तो आजकल बेटर ऑप्शन आ गया है जिसको हम विस्को सप्लीमेंट इंजेक्शन कहते हैं, वो थोड़े कॉस्टली जरूर हैं लेकिन उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इंजेक्शन हमें वैसे अवॉइड करना चाहिए जितना हो सकता है अर्ली स्टेज में, लेकिन फिर भी अगर बहुत जरूरत पड़ती है तो स्टीरॉयड इंजेक्शन कभी नहीं लगवाना चाहिए, कभी नहीं लगाना चाहिए। चलिए संजय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वाई माधोपुर से, उन्होंने हमें कॉल किया है। संजय जी सवाल पूछिए। संजय जी अपने टीवी के वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दीजिए, नहीं तो आप हमें नहीं सुन पाएंगे, हम आपको नहीं सुन पाएंगे। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर नमस्कार। हेलो। हाँ जी नमस्कार, बताइए। मेरा एक सवाल था कि मेरे जोड़ों में दर्द रहता है जी, मेरी एज 35 साल है जी, इनके जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, तो क्या करें? सर अगर सभी जोड़ों में दर्द है तो उसके लिए हमें ब्लड टेस्ट, एक्सरेज, बेसिक इन्वेस्टिगेशन, कैल्शियम लेवल्स, विटामिन डी लेवल सब असेस करना चाहिए जी। क्यों हो रहा है, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए पेशेंट को एग्जामिन करना भी जरूरी है। ऐसे ऑफ हैंड डायग्नोसिस नहीं दे पाएंगे, पर जोड़ों का दर्द इतनी अर्ली, 33 ईयर बताया उन्होंने एज अपना, 33 जी, तो इतनी अर्ली स्टेज पे जो है उनको जोड़ों का दर्द है तो उनको उसको विग्रेसली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए जी। सबसे पहले डॉक्टर को कंसल्ट करके बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह से उसको फॉलो करना चाहिए। ज्योति जी हमारे साथ जुड़ रही है अजमेर से, उन्होंने हमें कॉल किया है। ज्योति जी सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार जी। जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरी भाभी जो भी प्रेग्नेंट है ये स्टोन की प्रॉब्लम है। दोबारा बोलिए अपना सवाल एक बार फिर से पूछिए ज्योति जी। उन्हें स्टोन की प्रॉब्लम है तो आपने कहा कि कैल्शियम देना जरूरी है प्रेगनेंसी पीरियड में सर। जी जी जी। तो अभी उन्हें कैल्शियम कैसे दिया जा सकता है? एक्चुअली उन्हें स्टोन की प्रॉब्लम है तो कैल्शियम डॉक्टर ने बिल्कुल बंद कर रखा है। ये बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए आप अपने यूरोलॉजिस्ट से मिला, आजकल कुछ ऐसे कैल्शियम सप्लीमेंट्स आ गए हैं जिससे स्टोन में फॉर्मेशन नहीं होती है, तो आपके यूरोलॉजिस्ट उसके लिए बेस्ट आंसर दे सकते हैं क्योंकि इनका पूरा मेटाबॉलिज्म उनको पता होता है कि किस कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बन रहा है, कई तरह के स्टोन होते हैं तो कौन सा स्टोन बन रहा है और कौन सा कैल्शियम नहीं दे सकते हैं, तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट से जरूर मिलें इसके बारे में जी। आमिर जी हैं सऊदी से, उन्होंने हमें कॉल किया है, आइए हम जानते हैं क्या जानना चाहते हैं। आमिर जी सवाल पूछिए। दर्द से हमारे पैर में दर्द रहती है और मतलब डॉक्टर यहाँ दिखाए तो बोलते हैं कैल्शियम तो सब सही है, कभी दर्द रहती कभी नहीं रहती है, क्यों? हमें जब बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं जितने भी हमारी ऑडियंस है कि प्लीज आप अपने जब सवाल पूछते हैं तो टीवी की वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए। तो अभी देखिए आपने टीवी की आवाज हमें आ रही, आपका सवाल हमें समझ में नहीं आ रहा, एक बार फिर से दोहराना पड़ेगा आपको। ऐसा डॉक्टर साहब हमारे पैर में बाएं पैर रहती है जी, कभी रहती है कभी नहीं रहती है, ऐसे दबाने में दर्द महसूस होती नहीं है, चलने नहीं होती है, ऐसे सोने लेटने पे होती है। देखिए जिस तरह का आपका दर्द है, अगर ये चलने से दर्द नहीं हो रही है इसका मतलब जोड़ों का दर्द या हड्डियों का दर्द नहीं है, इसका मतलब है कि या तो मस्कुलर पेन है या न्यूरोलॉजिकल या कि नर्व्स वाला पेन है, तो उसके लिए एक बार आप डॉक्टर को दिखाएं, हो सकता है आपका कोई एमआरआई या कोई डॉपलर स्टडी या कोई एनसीवी तरह के कुछ तरह के टेस्ट होते हैं नसों के लिए, वो शायद करने पड़ेंगे आपके।
जी चलिए, नरेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फिलीपींस से हमें कॉल कर रहे हैं। नरेश जी सवाल पूछिए। डॉक्टर उस्ताद जी सवाल पूछिए। नमस्कार जी, नमस्कार डॉक्टर। बात यह है कि जो मेरे घुटनों के नीचे पिनियाँ होती है, पिनियाँ उसमें गिल्टियाँ हैं, छोटी छोटी मेरे गिल्टी बनी हुई है। उसमें क्या होता है? गिल्टी बनी हुई है। गिल्टी बनी हुई है। अच्छा, इसमें कई बार क्या होता है, जिसको हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं जी, ब्लड जो हम वेन्स के थ्रू ऊपर की तरफ आना होता है, वो ग्रेविटी या आपकी वेन्स की वॉल की खराबी की वजह से रुक जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। उसकी वजह से इस तरह की जब बता रहे हैं, मतलब उनकी बात सुनने से ऐसा लग रहा है जी। तो आई थिंक इनको वास्कुलर सर्जन को मिलना चाहिए एक बार, हो सकता है ब्लड क्लॉट्स बने हों, उस वजह से इनको ऐसा फील हो रहा है जी। तो डॉक्टर साहब सवाल तो बहुत सारे हैं और दर्शक भी बहुत सारे इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन टाइम हमें और इजाजत नहीं दे रहा है। तो मैं जाते जाते बहुत ही संक्षेप में आप क्या कहना चाहेंगे, एक डॉक्टर होने के नाते किस तरह से हर व्यक्ति को अपने हड्डियों को लेकर किस तरह ध्यान देना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जी, मेरा मैसेज यही है कि दर्द जब भी हो उसको इग्नोर ना करें जी। दर्द सबसे बड़ा इंडिकेटर है बॉडी में कि कहीं पे कोई डैमेज हो रही है या हो चुकी है, और कोशिश ये करें कि दर्द होने से पहले अपना ध्यान रखना शुरू करें, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, अपने लिए थोड़ा सा क्या खान पान एक्सरसाइज दो चीजें। हमारे पास किसी के पास आजकल टाइम नहीं है अपने लिए, हम काम में इतने बिजी हैं कि हम जब तक प्रॉब्लम नहीं होती है उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढते। तो हमें डेली मॉर्निंग वॉक, कोई एथलेटिक एक्टिविटी, बैलेंस डाइट एंड टाइमली डाइट। आजकल जो यंग जनरेशन स्पेशली है, इतना कॉम्पिटेटिव वो एज चल रही है, उनको खाने का भी टाइम नहीं मिलता है, और जब भी मिलता है वो जंक फूड और इस तरह की चीजें खाते हैं। प्रॉपर बैलेंस डाइट खाना जरूरी है, और रेगुलर एक्सरसाइज एक मस्ट है, एटलीस्ट 5 days a week आपको प्रॉपर 10-15 minutes अपने लिए कुछ एथलेटिक एक्टिविटी या वॉक करना जरूर होनी चाहिए जी। बहुत जरूरी बातें डॉक्टर साहब ने बताई हैं कि आपको अपने शरीर का ख्याल रखना बहुत आपके लिए जरूरी है, थोड़ा सा टाइम उसके लिए भी जरूर निकालिए। डॉक्टर साहब आप स्टूडियो में आए, बहुत सारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, बहुत सारी जानकारियां दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।